हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.5 की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 टाइम्स इट्स ब्रेथ। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, ब्रेथ से 7 टाइम्स क्या है लेंथ है, मतलब जो ब्रेथ होगा ब्रेथ का 7 टाइम्स क्या होगा लेंथ होगा। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 96 मीटर दिया हुआ है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सोल्यूशन, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन हमारा जो दिया हुआ है, गिवन जो हमारा क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ 96 मीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 96 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ से ज़्यादा 7 टाइम्स क्या होगा लेंथ होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हम क्या मान लेंगे, एक्स को ब्रेथ मान लेंगे रेक्टेंगल का। लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक्स को हम क्या मान लेंगे, ब्रेथ मान लेंगे। उसके बाद 7x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ का 7 टाइम्स क्या होगा लेंथ होगा, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमने क्या माना है, एक्स को क्या माना है, ब्रेथ माना है, तो उसका 7 टाइम्स क्या होगा लेंथ होगा। लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड 7x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होती है, 2 into length plus breadth। ये पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होती है, 2 into length plus breadth। तो पेरीमीटर तो हमारा दिया हुआ है 96 मीटर, तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 96 मीटर। उसके बाद इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है 2 लिखेंगे, और लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमने क्या माना है एक्स माना है, और प्लस ब्रेथ हमने क्या माना है 7x माना है। उसके बाद 96 इक्वल टू 2 into x plus 7x कितना होता है, 8x होता है, x प्लस 7x 8x। उसके बाद 96 इक्वल टू 2 into 8x कितना होता है, 16x होता है। तो हमें यहाँ से क्या फाइन करना है, x की वैल्यू फाइन करना है। तो हम x की वैल्यू फाइन करेंगे, इसका साइड जो है साइड मैंने चेंज कर दिया है, तो लेफ्ट को राइट में लाया है और जो राइट में था उसे लेफ्ट में ले गया। तो x के साथ जो 60 इंटू है, 60 को हम क्या करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे। तो x के साथ 60 जो है वो इंटू में है, अगर हम राइट में ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 96 डिवाइड क्या होगा 16 होगा, 96 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x की वैल्यू 6 आएगा। हमारा x की वैल्यू कितना आया, 6 आया है। x को हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, x को हमने ब्रेथ माना था। तो x की वैल्यू जो 6 आया है उसे हम क्या करेंगे, लेंथ, जो लेंथ माना था हमने। उसके बाद नाउ लेकर लेंथ, लेंथ हमने क्या माना था 7x माना था। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू जो 6 फाइंड हुआ है, तो x की जगह हम 6 पुट करेंगे। तो 7 into 6 कितना होता है, 42 होते हैं। तो 42 हमारा क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ हमारा जो x की वैल्यू फाइंड हुआ है वही हमारा क्या है, ब्रेथ है 6। तो हैंस ब्रेथ इक्वल टू 6 एंड लेंथ इक्वल टू 42, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।